हाउ हजरत अली वॉज इलेक्टेड एज अ कैलिफ। ये इलेक्शन जो है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन ऑफ हजरत अली हमारे पास पेपर में आ चुके हैं, और जून 2022 का पेपर आप हमारा वेरिएंट खोलेंगे तो आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि हमारे पास ये पेपर में आ चुका है। तो हाउ ही वॉज इलेक्टेड एज अ कैलिफ के भाई वो कैलिफ कैसे बने? तो आप ये बताओगे कि जैसे ही हजरत उस्मान का मर्डर होता है 656 AD के अंदर, 656 AD के अंदर हजरत उमर का जब हजरत उस्मान का जब मर्डर होता है, तो आप ये बताओ कि जो लोग हजरत उस्मान को मारने के अंदर मुलव्वस होते हैं वही लोग क्या होते हैं? ये वो रिबेल्स, वो बदमाश लोग, वो क्या करते हैं? वो न्यू कैलिफ सेलेक्ट करने के चक्कर में होते हैं। वो न्यू कैलिफ सेलेक्ट करने के चक्कर में ये होते हैं कि वो हर किसी के पास जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि आप नए कैलिफ बन जाए, आप नए कैलिफ बन जाए। हालांकि उन्होंने हजरत उस्मान को मारा और वो हर किसी के पास जा रहे हैं कि आप क्या बन जाए, कैलिफ बन जाए, कैलिफ बन जाए। अब आप ये बताओगे कि उनको कैलिफ खुद बनाना था अपनी पसंद का, तो उन्होंने सबसे पहले अप्रोच करा हजरत तला को, हजरत जुबैर को, हजरत अली को, सबको क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं कि आप कैलिफ बन जाए, आप कैलिफ बन जाए। ये वो तीन लोग हैं जिनको उन्होंने जब भी अप्रोच करा था जब ये लोग हजरत उस्मान को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, बट दे ऑल डिक्लाइन टू हेल्प दोस रिबेल्स। अब आप ये बताओगे जब वो हजरत तला और हजरत जुबैर के पास जाते हैं तो आप ये बताओगे ये लोग रिफ्यूज कर देते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं बन रहे, हम क्या नहीं बनेंगे? कैलिफ नहीं बनेंगे। 656 AD के अंदर जैसे ही हजरत उस्मान का मर्डर होता है तो रिबेल्स जो उनको मारने के अंदर मुलविस होते हैं वो न्यू कैलिफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके अंदर आप ये बताओ कि वो हजरत तला को अप्रोच करते हैं, हजरत जुबैर को अप्रोच करते हैं, हजरत अली को अप्रोच करते हैं, हजरत तला और हजरत जुबैर मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं आएंगे, हम नहीं बन सकते। फिर आप ये बताओगे कि हजरत तला और हजरत जुबैर मना करते हैं और बोलते हैं कि हजरत अली के होते हुए हम डिजर्व नहीं करते कि हम कैलिफ बने, तो हजरत तला और हजरत जुबैर किसको वोट दे देते हैं? हजरत अली। फिर रिबेल्स जाते हैं हजरत अली के पास, किसके पास गए? हजरत अली के पास। जब हजरत अली के पास जाते हैं तो हजरत अली भी इनिशियली क्या कर देते हैं? रिफ्यूज कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं कैलिफ नहीं बन रहा। लेकिन जब रिबेल्स उनको क्या करते हैं, रिबेल्स उनको कहते हैं कि अगर कैलिफ 24 घंटे के अंदर सेलेक्ट नहीं हुआ तो हम क्या फैला देंगे, यहाँ पे मसले फैला देंगे। जब वो मसले फैलाने की बात आती है तो हजरत अली को यह डर लगता है कि अगर इन्होंने मसले फैला दिए तो ज्यादा बड़ा मसला हो जाएगा, तो बेहतर है कि हम 24 घंटे के अंदर कैलिफ क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। तो हजरत अली कहते हैं कि भाई मैं चलो कैलिफ बनूंगा, लेकिन कैलिफ मैं सीक्रेटली नहीं बनूंगा कि मतलब रिबेल्स आपके पास आ रहे हैं मैं कैलिफ बन जाऊं, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं कैलिफ बनूंगा तो मैं पूरा अनाउंसमेंट करके पूरा बनूंगा कि मैं कैलिफ बन रहा हूँ, ताकि किसी को ये बात ना लगे कि मैंने अपना कैलिफ बनने के लिए क्या करा है, कि मतलब लोगों के अंदर डाउट आता ना कि यार ये छुप छुपे हजरत अली कैलिफ बन गए, क्या पता हजरत उस्मान के मर्डर के अंदर ये मुलव्वस हो, क्या पता ये हो, क्योंकि हिपोक्रेट्स बहुत थे, मुनाफिकीन बहुत थे, गलत बातें फैलाने वाले लोग बहुत थे। तो आप ये बताओगे कि जब हजरत उस्मान की डेथ होती है तो न्यू कालिफ बनाने की बात आती है, न्यू कालिफ बनाने की बात कौन लाता है? तो आप बताओगे जो रिबेल्स होते हैं जिन्होंने उनको मारा, वो हजरत तला हजरत जुबैर को अप्रोच करते हैं, वो मना कर देते हैं, अंसार्स को अप्रोच करते हैं, वो मना कर देते हैं, वो बोलते हैं हजरत अली के होते हुए हम कालिफ नहीं बन सकते। हजरत अली के पास ये जाते हैं तो हजरत अली क्या करते हैं, हजरत अली भी शुरू में मना कर देते हैं। आप ये बताओगे रिबेल्स ये कहते हैं कि अगर हमारे अंदर 24 घंटे में कालिफ सेलेक्ट नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मसला फैला देंगे। जैसी ये बात होती है तो आप ये बताओगे कि ज्यादातर जो कंपेनियंस होते हैं वो हजरत अली को कहते हैं कि आप कैलिफ बने, तो हजरत अली शुरू में मना करते हैं लेकिन बाद में वो एग्री कर लेते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई मेरा जो ओथ होगा, माई ओथ ऑफ एलिगेंस विल बी टेकन पब्लिकली फ्रॉम मुस्लिम्स, इट कैन नॉट बी डन सीक्रेटली, ये चोरी छुपे नहीं होगा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं कैलिफ बनूंगा तो प्रॉपर तरीके से बनूंगा। हजरत अली फिर क्या होता है कि हजरत अली वॉज नॉमिनेटेड एंड ही बिकेम द फोर्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम, तो इस तरीके से वो क्या बन गया बेटा, कैलिफ बन गए। तो आपने ये बात बतानी है कि वो किस तरीके से कालिफ बने। अच्छा एक और बात आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो ये जब वो कालिफ बने थे तो ये कहाँ पर हुआ था? ये कालिफ जब बने तो वो प्रॉफिट की मस्जिद के अंदर, मतलब मस्जिद नबी के अंदर ही हुआ था। और आप ये बताओगे कि सबने आकर वहां पे एलिगेंस दिया, तला ने दिया, जुबैर ने दिया, और उनको वादा दिया कि वी एक्सेप्ट यू एज अ कालिफ। तो ये इलेक्शन है और ये जून 2022 के पेपर में आ चुका है, तो आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए। अब होली हजरत अली वॉज इलेक्टेड एज अ कैलिफ, तो इलेक्टेड एज अ कैलिफ के अंदर आपने क्या बताया कि जैसे हजरत उस्मान की डेथ हुई तो हजरत उस्मान की डेथ के बाद
जैसे ही हजरत उस्मान की डेथ हुई तो न्यू कालिफ की बारी आई, न्यू कालिफ की बारी आई तो रिबेल्स किसको अप्रोच करने का, हजरत तला को, हजरत जुबैर को, सबने मना कर दिया, अंसार ने भी मना कर दिया कि हजरत अली को होते हुए हम कालिफ नहीं बन सकते। हजरत अली के पास गए तो हजरत अली ने भी शुरू में मना कर दिया, लेकिन हजरत अली को जब सबने बोला कि आप कालिफ बने तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चोरी छुपे कालिफ नहीं बनूंगा, अगर मैं कालिफ बनूंगा तो पब्लिकली कालिफ बनूंगा। एंड देन ही वाज इलेक्टेड एज द फोर्थ कालिफ और मस्जिद नबी के अंदर पूरी वो भी। तो ये हमारे इलेक्शन हो गए, पेपर में आ चुका है। अब आप ये बताओगे हजरत अली वॉज चोजन एज अ कैलिफ, हजरत अली का जो रूल शुरू होता है वो शुरू होता है 656 एडी का और वो खत्म होता है 661, 5 साल तक वो रूल चलता है। आप ये बात बताओगे कि जब वो रूलिंग पर आते हैं 5 साल के लिए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं चेंज ऑफ गवर्नर्स। आप लोगों ने ये बात हजरत उस्मान के दौर में पढ़ी थी कि हजरत उस्मान ने गवर्नर्स चेंज करे थे और लोगों ने उनके ऊपर ये ब्लेम करा था कि आपने अपने रिश्तेदारों को, आपने अपने रिश्तेदारों को क्या कर लिया है, हायर कर लिया है, आपने अपने रिश्तेदारों को क्या कर लिया है, इन पोजिशंस पर रख लिया है। जब ये इल्जाम लगा था तो आप ये बात बताओगे उसी वजूहत की वजह से उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने किस किस को हायर करा था ताकि आप उसको पेपर में बता सको। तो जो पहला इल्जाम लगा था वो पहला इल्जाम क्या लगा था, इन्होंने ये लोगों ने ये बोला कि आपने हजरत अमर बिन आस को इजिप्ट में हटा दिया और हजरत अब्दुल्ला बिन साद को लगा दिया क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं, तो इजिप्ट में ये रिप्लेसमेंट आई थी। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास साद बिन अबी वकास की जगह पे वलीद बिन उकबा आ गए तो कूफा के अंदर। फिर आप ये बताओगे पर्शिया के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अमर आ गए थे अबू मूसा अशारी को हटाकर। और आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या होता है कि ये जब चेंजेस आती है हजरत मुआविया, हजरत मुआविया आपके पास कहाँ पर आ जाते हैं, तो आप बताओगे सीरिया के अंदर जो थे वो हमारे पास कौन थे, हजरत मुआविया, और जो कि हजरत उमर ने हायर करे थे और ये सारे उनके रिश्तेदार थे, हजरत मुआविया भी उनके रिश्तेदार थे। आप ये बताओगे कि हमारे पास हजरत अब्दुल्ला बिन साद भी उनके रिश्तेदार थे। आप ये बताओगे कि हमारे पास साद बिन अबी वकास भी उनके वो सॉरी वलीद बिन उकबा भी क्या थे, उनके रिश्तेदार थे। आप ये बताओगे कि हमारे पास चौथे जो थे वो कौन थे, अब्दुल्ला बिन अमर, अब्दुल्ला बिन अमर भी क्या थे, उनके रिश्तेदार थे। तो जब ये सारे रिश्तेदार थे तो उनके ऊपर ये इल्जाम था। अब हजरत अली ने आकर, हजरत अली अपने दौर में जब आए तो हजरत अली ने सबसे पहले आकर क्या करा कि उन सारे गवर्नर्स को चेंज कर दिया जिनकी वजह से ये मसला हो रहा था। जब उन्होंने गवर्नर्स को चेंज करने की बारी आई तो सर किस तरीके से गवर्नर्स को चेंज करा, तो आप ये बताओगे गवर्नर्स किस तरीके से चेंज करा कि जो बसरा वाला जो गवर्नर था, बसरा का जो गवर्नर उन्होंने हायर करा उसका नाम क्या था, उसका नाम था उस्मान बिन हनीफ। क्या नाम था, उस्मान बिन हनीफ को वहां पे क्या कर लिया, हायर कर लिया, मतलब बसरा का जो पहले वाला गवर्नर था उसको हटा दिया, उस्मान बिन हनीफ को लगा दिया। फिर आप ये बताओगे साद बिन उबादा को गवर्नर ऑफ इजिप्ट बना दिया, मतलब इजिप्ट का गवर्नर चेंज कर दिया और साद बिन उबादा को क्या कर दिया, वहां पे लगा दिया, तो साद बिन उबादा। सर फिर और क्या चेंज आया, और आप ये बताओगे कि भाई उसके बाद यमन के लिए अब्दुल्ला बिन अब्बास को सेलेक्ट करा, अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहाँ के लिए सेलेक्ट करा, यमन के लिए। फिर आप बताओगे उन्होंने उमारा बिन शहाब को कुफा के लिए करा, उमारा बिन शहाब को कुफा के लिए करा और सुहेल बिन हनीफ को सीरिया के लिए करा। तो हमारे पास क्या है, उस्मान बिन हनीफ को बसरा का गवर्नर बनाया, साद बिन उबादा को इजिप्ट का गवर्नर बनाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास को यमन का बनाया, उमारा बिन शहाब को कुफा का बनाया और सुहेल बिन हनीफ को सीरिया का बनाया। उन्होंने वो गवर्नर्स हटा दिए जो हजरत उस्मान के दौर के अंदर उन्होंने हायर करे थे और उन्होंने हजरत उस्मान के लोगों से, जैसे जब लोगों ने ये कहा कि भाई गवर्नर्स तो आप चेंज कर रहे हैं, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई जो सीरिया के अंदर था, सीरिया के अंदर कौन थे, सीरिया के अंदर थे हजरत माविया थे, और हजरत माविया जो थे वो किसके कजन थे, वो हजरत उस्मान के कजन थे। हजरत उस्मान के जब वो कजन थे तो उन्होंने कहा कि मैं सीरिया का गवर्नर की पोस्ट नहीं छोड़ूंगा, मैं जब तक पोस्ट नहीं छोड़ूंगा जब तक आप हजरत उस्मान के कातिलाना हमले का बदला नहीं ले लेते। जब वो गवर्नर्स चेंज कर रहे थे तो गवर्नर्स में एक थे हजरत माविया जो कि सीरिया के थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी गवर्नर की पोस्ट जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप हजरत उस्मान का बदला नहीं ले लेते। और बहुत सारे गवर्नर्स जो कि क्योंकि ज्यादातर हजरत उस्मान के रिश्तेदार थे, हजरत उस्मान के रिश्तेदारों को ये बात लगना शुरू हो गई कि हजरत अली जान पूछ के बदला नहीं ले रहे, क्या नहीं ले रहे, जान पूछ के बदला नहीं ले रहे, क्योंकि हजरत अली कहाँ से बिलोंग करते थे, हजरत अली बिलोंग करते थे बनू हाशिम से, कहाँ से बिलोंग करते थे, बनू हाशिम से।
और हजरत उस्मान कहाँ से बिलोंग करते थे? बनु उमैया से बिलोंग करते थे। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बनु उमैया और बनु हाशिम की बचपन से लड़ाई चलते हुए आ रही थी। बनु हाशिम और बनु उमैया बचपन से लड़ रहे हैं। तो जब हजरत अली ने शुरू में बदला नहीं लिया तो हजरत उस्मान के जो गवर्नर थे जो उनको ये बात लगना शुरू हो गई कि हजरत अली जान बूझ के बदला नहीं ले रहे क्योंकि वो बनू उमैया के लोगों से क्या होते हैं, जेलिस होते हैं, और इसीलिए वो गवर्नर चेंज कर रहे हैं और बदला नहीं ले रहे। लेकिन असली मकसद ये नहीं था, असली मकसद हजरत अली का ये नहीं था। हजरत अली का मकसद ये था कि उन्होंने ये कहा कि पहले मैं यूनिटी लाऊंगा, पहले मैं यूनिटी लाऊंगा, पहले जो मैं स्टेट के मसले वो हल कर दूंगा ताकि मुझे कोई पीठ पीछे धोखा ना दे, और उसके बाद मैं कातिलों से क्या लूंगा, बदला लूंगा। इस बात पे कुछ गवर्नर्स क्या हो गए, नाराज हो गए, और कुछ मुसलमान सीनियर कंपेनियंस भी इस बात पर क्या हो गए, नाराज हो। तो आपने समझना है कि हजरत अली इलेक्शंस पे आए, इलेक्शंस के आने के बाद उन्होंने गवर्नर चेंज करे, लोगों ने उनको ये कहा कि आप गवर्नर तो चेंज करें लेकिन हजरत उस्मान का तो बदला लें पहले। तो उन्होंने ये कहा कि भाई रिबेल्स को मैं पकड़ूंगा बाद में पकड़ूंगा, पहले यूनिटी आ जाए स्टेट के अंदर। अभी मैं कैसे पकड़ सकता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन है? यूनिटी आ जाए स्टेट के अंदर, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्शन लूं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ कि शुरू के अंदर आप ये बताओगे इलेक्शन क्या हुआ और गवर्नर्स किस तरीके से चेंज हुए। अब गवर्नर चेंज होने के बाद जो मेन चीज है जो पेपर में आती है वो है बैटल ऑफ कैमल। अब बैटल ऑफ कैमल की कहानी कुछ इस तरीके से है कि 10 मार्क का बैटल आएगा, और अब बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि अगर 10 मार्क का सवाल आता है तो हम लिखते हैं सीईओ। सीईओ का मतलब ये होता है कॉजेस इवेंट्स एंड आउटकम्स। क्यों ये बैटल हुई, उसके आउट इवेंट्स क्या थे और उसके आउटकम्स क्या थे। तो कॉजेस इवेंट्स एंड आउटकम्स मुझे क्या होने चाहिए बेटा, पता होने चाहिए। अब